कई ऐसे फैसले जो तरी पार लोग थे, जो तरी पार लोग थे वो बड़ी हो ना गए, लेकिन जब से ये गुजरात के दो लोग आए हैं तब पूरी माहौल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम है। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर। महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। या कोई और भी नेता हो अपोजिशन के वो अच्छा रहा, अच्छा, लेकिन जब से ये गुजरात के दो लोग आए हैं तब पूरी माहौल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। सही पकड़े हैं दोस्तों, पूरे देश का सत्यानाश करने में सिर्फ दो ही लोगों का हाथ है। इन्हीं दो गुजराती लोगों के बारे में यहाँ पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। अमित शाह छोटी छोटी जातियों की पार्टी के साथ समीकरण करें तो कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। अगर हम वही जात की समीकरण को बनाएं तो हम जातिवादी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप तो उनको कहते हैं वो फेक हैं, ओबीसी नहीं है, पिछड़े नहीं है। एकदम है, बताओ ना, 55 साल की उम्र में वो ओबीसी हुए, हम तो बचपन से ओबीसी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी, तो आज के डेट में अमित शाह के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, जो तेजस्वी यादव में दिख रहा है, वो भी एक गोदी एंकर के मुंह पर ही बोल देते हैं। नहीं तो सारे बुद्धिजीवी आज के डेट में इन दो गुजरातियों से डर के जी रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इसी कटघरे में बैठकर ये कहकर गए हैं हम मरते मर जाएंगे लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम है। ये पापा का टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। और जब गोदी एंकर रविशंकर प्रसाद के बारे में सवाल करता है तो तेजस्वी यादव रविशंकर समेत इस गोदी एंकर की भी जमकर फटकार लगा देते हैं और टीटीएम बता देते हैं, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। हाँ भाई हाँ। दूसरी बात, मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर। अरे हम तो फकीर आदमी है। खैर, मोदी की ये सच्चाई तो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह का बनावटी, दिखावटी, कहिए तो झूठ बोलने की फैक्ट्री समेत एक तरह का बहुरूपिया है जो पूरे देश को सालों से मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। कई ऐसे फैसले जो तरी पार लोग थे वो बड़ी हो ना गए। देखिए, हम पे आरोप, हम पे जांच। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव तड़ीपार का भी जिक्र बेबाकी के साथ करते हैं। ये सुन गोदी एंकर सन्न रह जाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके मालिक की तारीफ जो हो रही है। लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, उस पे कोई जांच नहीं कर सकता। खैर, ये वही अमित शाह है जिसका बेटा जय शाह का प्रॉपर्टी कुछ ही महीनों के अंदर हजारों रुपयों से करोड़ों रुपयों में तब्दील हो जाता है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का छापा नहीं, मतलब सब मिल करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं और हमारी यहाँ की गोदी मीडिया हाथ पर हाथ धरे उन्हीं की तारीफ के फूले बांधते हुए दिख रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।